अज मैं तुहानू दसूंगा जी कणक का इतिहास की है, कणक सब तो पहला कदों अते कित्थे बीजी गई सी, कणक शब्द का मतलब की है, कणक नू सब तो पहला भारत दे विच कौन लेके आया सी, ते किस तरह कणक ने इंसान नू पालतू बनाया। अजिही कणक दे बारे रोचक तत्थ जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल। मैं हां तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो जर्ट टीवी। अज तो 14,000 साल पहला तक इंसान खेती करनी नहीं जानता सी, उसनू जिहड़ी भी चीज़ मिल जाती सी उसनू खा के अपना गुजारा कर लैंदा सी। मतलब कि इंसान नू हर रोज़ खाने की तलाश दे विच इधर उधर भटकना पैंदा सी। पर अज तो 13,000 साल पहला जदों इंसान ने कणक खानी शुरू की तां लगातार कई सालों तक कणक खाते रहन ते उसने एक चीज़ नोट की कि कणक के बीज जिथे भी डिगदे हन उत्थे नवीं कणक उग पैंदी है। तो इत्थों ही इंसान ने कणक नू पालतू बनाउण दा प्रोसैस शुरू कर दिता। तो उसनू लगता सी कि कणक नू पालतू बना लेगा, पर इंसान की यह बहुत वड्डी गलत फहमी सी क्योंकि कणक ने ही इंसान नू एक दिन पालतू बना लेना सी। अज तो 10,000 साल पहला तक इंसान की जिंदगी काफ़ी मज़ेदार होया करती सी। उस टाइम तक इंसान ने बस्तियां दे विच रहना शुरू नहीं किया सी। उस टाइम तक इंसान पूरी तरह के नाल खाना बदोशी की जिंदगी जिउंदा हुंदा सी। ओह ना तो रोज़ एक जगह पर टैके बहिंदा सी ते ना ही एक तरह का खाना रोज़ खांदा सी। हर रोज़ भज नठ वाली जिंदगी जिउण ते अलग अलग तरह का खाना खाण के कारण उस टाइम का इंसान शरीरक तौर पर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग सी। पर अज तो 13,000 साल पहला इंसान ने कणक खानी शुरू कर दी तो उसके मन के विच खेती करन दा विचार पैदा होया। उसने जमीन के कुछ हिस्से नू साफ करके उत्थे कणक के दाने बीजने शुरू कर दिते ते फिर खेतों नू जंगली जानवरों तो बचाउण दे लई इंसान ने इन्हां खेतों के आले दुआले ही रहना शुरू कर दिता। तो इस तरह लगभग अज तो 10,000 साल पहला इंसानी बस्तियां बनन दी शुरुआत हुई। तो इंसानी बस्तियां वसण तो बाद जल्दी ही इंसान इस कणक के उपर डिपेंड हो गया। तो इस तरह दुनिया सब तो ज्यादा घूमने वाला जीव छोटे छोटे इलाकों के विच रहने लगा। हुण इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे जे इलाके दे विच रह के कणक दे खेतों के आले दुआले ही जिंदगी गुजारन लगा। तो इस तरह कणक ने इंसान नू पालतू बना लिया। अज तो 1,000 साल पहला तक तो इंसान कणक के उपर इन्ना ज्यादा निर्भर हो गया सी कि किसी साल जेकर किसी भी वजह के कारण कणक की फसल तबाह हो जाती तो इंसानों दी सारे दी सारियां बस्तियां भुख दे नाल मर जांदियां सन। हुण तक इंसान यह गल नू समझ चुकिया सी कि कणक ने उसकी जिंदगी दे विच आ के बहुत वड्डी तब्दीली लिया दित्ती है। पर हुण तक इंसान बहुत ज़्यादा लेट हो चुकिया सी ते इस चीज़ नू बदलिया नहीं जा सकता सी। ते एक टाइम अजिहा सी जदों इंसान नू याद नहीं रहिंदा सी उसने किहड़े दिन की खाधा सी। ते हुण अजिहा समा आ चुकिया सी जदों इंसान दे कोल खाण लई सिर्फ कणक ही बची सी। कहा जांदा है कि कणक दी शुरुआत मिडल ईस्ट तों हुई सी। मिडल ईस्ट दे कुझ देशां दे विच ही कणक दी फसल सब तों पहलां उगाई गई सी। कणक दुनिया दी सब तों ज़्यादा उगाई जाण वाली फसल है, पर प्रोडक्शन दे मामले विच सब तों पहले नंबर ते आउंदी है मक्की। हुण तुहानू दस ਦਿਆਂ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਰਾਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਰੇਨੇਵੇਜ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਇਰਾਨਵੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਨਵੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਆ ਕੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੌਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੋਦੂਮ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਦੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ। ਗੋਦੂਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਹੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 5,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ। ਚੀਨ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5
सब तो ज्यादा कणक की पैदावार करने वाले देश हैं। अंटार्कटिका छड़ के कणक दुनिया के बाकी सारे महाद्वीपा से उगाई जाती है। मोटे तौर पर कणक दी दो नस्लां पाई जाती ने, एक जी गर्मियों के होंगी है, एक जी सर्दियों के होंगी है। कणक की फसल साढ़े चार तो पांच महीने तक पक के तैयार हो जाती है। नसल ज कही बीज के हिसाब के कणक का पौधा 2 फुट तो साढ़े 4 फुट तक उच्चा हो सकता है। पूरी दुनिया के कणक की टोटल पैदावार हर साल 780 करोड़ होंगी है। इतने हैरानी की गल यह भी है कि पूरी दुनिया की टोटल आबादी 780 करोड़ ही है। इस तरह आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के हर इंसान के हिस्से एक साल के कणक का एक क्वांटल आता है। कणक की सब तो वध पैदावार प्रोडक्शन एशिया के ही होंगी है। इस तो बिना यूरोप और अमरीका के भी कणक का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होंदा है। तो हुण इत्थे कमाल का फैक्ट है कि यह भी है कि पूरे पाकिस्तान का कणक का उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप के सारे देशों तो ज़्यादा है, जिस दे विच कि 56 देश आते हैं। इस तो तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि एशिया के कणक का कितना उत्पादन होंदा है। कणक की तरह मूली, बैंगन, भिंडी, आलू भी होर देशों के भारत में आए हैं। बैंगन आए हैं चीन तो, मूली आई है जापान तो, भिंडी आई है अफ्रीका तो, इस तरह पेठा ते कद्दू आए ने यूरोप तो। हुण तुसीं किवें मन्नोगे कि यह सब्जियां भारत दे विच बाहरों आईयां ने? इसका जवाब यह है कि इन्हां सब्जियां दा संस्कृत भाषा दे विच किते भी कोई नाम नहीं आउंदा। जेकर सब्जियां भारत विच पहलां तो हुंदियां तां इन्हां दा भारत दी पुरानी संस्कृत भाषा दे विच किते ना किते जिक्र जरूर होना सी। सो यह सन जी कणक दे नाल जुड़े हुए कुछ रोचक तत्थ। तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। साडे फेसबुक पेज जो टीवी नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।